हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन फ्राइड राइस। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को हम चटकने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। कुछ सेकेंड के लिए इन्हें पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं करना है, इन्हें क्रंची रखना है। वेज फ्राइड राइस में क्रंची सब्जियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। कुछ सेकंड सोते करने के बाद अब हम इसमें बॉइल्ड राइस डाल देंगे। खिले खिले बॉइल्ड राइस कैसे बॉइल करने हैं इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगाएंगे जिससे कि चावल हमारे टूटते नहीं हैं और वेज फ्राइड राइस हमारे खिले खिले बनते हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी फूली हुई सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन को 2 घंटे पहले मैंने गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया अच्छे से फूल गई हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे। सॉसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सॉसेस की कोटिंग और मसालों की कोटिंग हमारे राइस पर अच्छे से आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले वेज फ्राइड राइस हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अब हम बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ इसे गार्निश करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, सोयाबीन फ्राइड राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।